गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनोज शर्मा, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन कंपनी अलवर राजस्थान से आपको बताऊंगा बिजॉम एप्लीकेशन के बारे में, जो कि महिंद्रा कंपनी के एम्प्लॉय के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें कुछ कठिनाइयां आ रही है कुछ एम्प्लॉय को, तो वो सारा मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि आपको बिजॉम एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो आइए, सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को निकालना है और डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करने के बाद में सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हमें सर्च में डालना है ऊपर बिजॉम। बिजॉम डालने के बाद में सर्च करना है। सर्च करने के बाद में बिजॉम 2 करके एप्लीकेशन आ जाएगा और उसको हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले मैं बिजॉम एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से आपको बताऊँ कि बिजॉम एप्लीकेशन क्या है, क्यों बनाया है, किस तरीके से काम करता है। तो बिजॉम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। 4.1 की रेटिंग है इसमें और 1K रिव्यू एंड 7.4 MB का पूरा एप्लीकेशन है और 50,000 से ज़्यादा लोगों ने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो रेटिंग को देखते हुए और डाउनलोड को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो रहा है अभी ये। इंस्टॉलिंग हो रही है, 100% इंस्टॉल हो गया। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले मैं आपको इसकी चार चीज़ें बताऊं कि जब कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय अपने ड्यूटी पे जाते हो, उससे पहले मोबाइल फुल चार्ज होना चाहिए, GPRS आपका ऑन होना चाहिए और मोबाइल डाटा हमेशा ऑन होना चाहिए और टाइम और डेट हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर ही होना चाहिए। ये चार चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आइए हम बिजॉम एप्लीकेशन को पहले ओपन करते हैं। तो ये देखो, दे रहा है यू नीड टू ग्रांट एक्सेस टू स्टोर राइट कॉन्टैक्ट, रीड फोन स्टेट, कैमरा एसेस, फाइन लोकेशन, रिकॉर्ड ऑडियो, कॉल फोन। मतलब ये कह रहा है आपका कि आपके स्टोर को देख सकता है, आप कॉन्टैक्ट को देख सकता है, कैमरा को देख सकता है, आपकी लोकेशन को देख सकता है, रिकॉर्डिंग को देख सकता है, सेल फोन को, पूरा कॉल फोन को, जितने भी कॉन्टैक्ट है उनको भी देख सकता है। तो इसको हम पहले ओके करेंगे। ये कॉन्टैक्ट का अलाउ मांग रहा है, इसको अलाउ करेंगे। मैनेज फोन कॉल्स को अलाउ करेंगे, पिक्चर्स एंड रिकॉर्डिंग्स अलाउ करेंगे, लोकेशंस को अलाउ करेंगे, रिकॉर्ड ऑडियो को अलाउ करेंगे। ये देख सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, देखता है, देख सकता है। अगर इसको आवश्यकता पड़ी तो ये लोकेशन भी देख सकता है, ऑडियो भी देख सकता है, कॉन्टैक्ट भी देख सकता है। तो सबसे पहले हमने ये इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में सबसे ऊपर आ रहा है यूजर नेम। तो यूजर नेम अभी हम टेस्ट के लिए डालेंगे ओनली। तो टेस्ट के लिए हमें यूजर नेम डालना है इसमें, seeds.test, ये यूजर नेम में डालना है। पासवर्ड में हम डालेंगे इसके movigy डाल दी। इसको हम सो पासवर्ड भी करके देख सकते हैं, movigy लिखा हुआ है। लॉगिन करेंगे, हमने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है। डाटा डाउनलोड हो रहा है सारा। और सबसे पहले मैं आप सभी के लिए बताऊं कि मैं सबसे पहले मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट पे हैं उनके लिए बताऊंगा कि उनको क्या क्या करना है। उनको अधिकतर फार्मर लेवल पे ही काम करते हैं, तो फार्मर लेवल का देखना है। सबसे पहले ये डाउनलोड हो गया हमारा, ओपन भी हो गया। ओपन करने के बाद में हम माई इन्फो में जाएंगे। मैंने आज की अपनी अटेंडेंस लगा दी है, इसमें सारा आता है आपका। 23 तारीख पहला महीना 2019 सन, ठीक। और 9:32 पर मैंने अपनी अटेंडेंस लगा दी और टुडे वर्किंग स्टेटस आ रहा है इस पर और सारी चीज़ें आती हैं। माई इन्फो का मतलब होता है माई इन्फॉर्मेशन, हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन
दे रहे हैं। सुबह जब अटेंडेंस लगाते हैं, मैंने अटेंडेंस लगा दिया, नहीं तो सबसे पहला ऑप्शन अटेंडेंस का ही आता है। और अगर आप प्रेजेंट हो तो पहले आपको एक सेल्फी लेनी होती है और प्रेजेंट पर ऑप्शन दबाना होता है, उसके बाद में आपका पूछता है कि फील्ड वर्क पे जा रहे हो या विजिट पे जा रहे हो या अदर काम से जा रहे हो। तो आप जो भी काम से जा रहे हो, फील्ड वर्क में जा रहे हो तो फील्ड वर्क का डालोगे, और अगर मार्केट के काम से जा रहे हो तो मार्केट का डालोगे, और अदर काम से जा रहे हो तो अदर डाल सकते हो। यदि आप अब्सेंट हो, जॉब पे नहीं जा रहे हो, तो आप उसमें अब्सेंट का डालोगे। आपको फोटो डालने की, सेल्फी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये माई इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, तो मैं अपना इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। मैंने आज प्रेजेंट स्टेटस आ रहा है मेरा, मैं प्रेजेंट हूँ, और कितने बजे पर अटेंडेंस लगाई, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कौन कौन सा हो रहा है, किस किस का, ये सारा इसमें आता है। एंड ऑफ डे भी आता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, सबसे पहले ये प्लस का साइन आता है, प्लस के साइन पर दबाना है। हम किसी भी विलेज में जाते हैं, फार्मर से मिलते हैं, तो फार्मर का डाटा हमें अब ऑनलाइन डालना होगा इस पर। तो सबसे पहले विलेज सेलेक्ट करना है। विलेज जैसे हम 40 गांव हैं, 50 गांव हैं हमारे, तो वो सारे विलेज के नाम हमें इसमें डालने होंगे। जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव का नाम आ जाएगा। अभी टेस्ट में है तो टेस्ट आ रहा है, विलेज 2 आ रहा है, विलेज 3 आ रहा है, तो हम पहले टेस्ट का करते हैं। विलेज आ गया आपका टेस्ट, टाइप आ गया आप उस गांव में रिटेलर से मिलने गए हो या फार्मर से गए हो। तो जैसे कि हम MDA पोस्ट के लिए बात करें तो हम फार्मर से मिलने गए, ठीक। और इसमें आएगा फार्मर का नाम, जैसे फार्मर का नाम मैं यहाँ पर डालता हूँ राम, ठीक। और उसका आधार या पैन नंबर, ये कोई आवश्यक नहीं है, इसमें कंडीशन नहीं है कोई। स्टार जिस पे दिख रहा है आपको, वो आपको फिल करना ही करना है। जिस पे स्टार नहीं दिख रहा, अगर वो आपके पास है तो वो आप दे सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है। पिन कोड की पूछ रहा है, पिन कोड आप उसका, फार्मर का पिन कोड डाल सकते हो जो भी पूछ के। गांव का नाम पूछ रहा है, गांव का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो जो गांव है। फार्मर का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पूछ सकते हो आप। फार्मर ने मोबाइल नंबर बता दिया। फिर उसके बाद में फार्मर से पूछना है आपको कि आपका मोबाइल कौन से टाइप का है, फीचर फ़ोन है या स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का मीन्स है कि उसमें व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलती है ना। फीचर फ़ोन का है कि बस कॉल ही आती है, कॉल ही कर सकते हैं, उससे और कुछ नहीं कर सकते। तो अगर स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फार्मर को पूछना है कि उसकी प्रेफर्ड लैंग्वेज कौन सी है। हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तमिल बोलता है, एनीवे जहां जिस स्टेट में हो आप उस तरीके से देख सकते हो। अब मैं राजस्थान में जॉब कर रहा हूं तो यहां पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को सेलेक्ट करूंगा। हिंदी सेलेक्ट कर ली, फिर इमेज ऑफ फार्मर आ रहा है। फार्मर की एक इमेज लेनी है, फार्मर की इमेज लेनी है ऐसे, ठीक। और इमेज को यहां से सेव करना है। अब फार्मर से पूछना है क्रॉप बन, क्रॉप बन में उसने क्या लगा रखा है। तो जैसे अब मैं बात करूं, हम गए हैं सरसों का फील्ड देखने के लिए, तो रेपिसीड मस्टर्ड, रेपिसीड मस्टर्ड आपका रवि सीजन में लगाया जाता है। टोटल कल्टीवेटेड लैंड उसके पास कितना है, टोटल जो खेती करता है उसका एरिया कितना है। जैसे कि वो बताए एकड़ में लिखना है, इधर एकड़ 32 विश्व का एकड़ होता है, उस तरीके से अगर बीघे में बताए तो आपको एकड़ में कन्वर्ट करना है। जैसे वो बताए कि 3 एकड़ है, अब उसको पूछना है कि वो क्रॉप 2 में क्या लगाता है। तो जैसे कि क्रॉप 2 में उसने बताया कि मैं बाजरा लगाता हूँ, तो उससे पूछना है बाजरा जैसे कि खरीफ सीजन में लगता है और टोटल कल्टीवेटेड लैंड कितनी है उसकी। तो वो बताएगा जैसे कि 3 एकड़ है, फिर उससे पूछना है टोटल इरिगेटेड लैंड कितनी है आपकी सिंचाई वाली। तो बताइए कि 3 एकड़ का 3 एकड़ पूरा सिंचाई वाला ही है मेरा, तो उसमें 3 एकड़ डालना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का सोर्स क्या है आपका। तो जैसे कि उसने बताया, कई ऑप्शन आते हैं आपके, कैनाल है, ट्यूबवेल है, स्प्रिंकलर, रेनफिल है, ड्रिप है, तो एनीवन कुछ भी बताए, जैसे कि उसने बता दिया ट्यूबवेल है ना, तो ट्यूबवेल आपको सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, अब फार्मर से आपको पूछनी है कि महिंद्रा कैटेगरी प्रोडक्ट यूज्ड, महिंद्रा का बीज के अलावा कि आप कोई भी और भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। तो जैसे कि फार्मर बताए कि मेरे पास ट्रैक्टर है ना, और
महिंद्रा का मैं सीड में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सीड में यस करना है, है ना। सीड में यस करने के बाद में उसको पूछना है कि महिंद्रा की सीड में कौन कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो बताइए कि मैं बाजरा इस्तेमाल करता हूँ आपका एम बी 10 बाजरा, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट पे आपको सेलेक्ट करना है। उस प्रोडक्ट पे सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ ऑप्शन आता है आपका सबमिट का, तो आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने का जैसे ही ऑप्शन आप दबाओगे तो उसमें आपका लिखा हुआ होगा वेयर हाउस ऑब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर एरिया, आपके कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में ये गांव आ रहा है। तो अभी यहाँ पर टेस्ट में है तो टेस्ट में दो आ रहे हैं, टेस्ट डिस्ट और टेस्ट टेस्ट WH करके। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो और आपका जब रियल ID और पासवर्ड डलेगा तो उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा। आप सर्च करोगे आपके डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा और ओके आप कर देना, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट कंटिन्यू विद ट्रांजैक्शन, तो आपको करना है यस, ठीक। ये सारा डाटा हमने सेलेक्ट कर लिया उसका, ठीक। ये सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद में इसका देखो नाम आ रहा है, राम नाम था इसका, इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है, ट्रांजैक्शन होगा वो सारा ट्रांजैक्शन भी आएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे कि हम VLM विलेज लेवल मीटिंग कहीं करने जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में इसमें आता है फार्मर मीटिंग, फार्मर मीटिंग पर सेलेक्ट करना है। फार्मर मीटिंग पर सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन है कि विलेज कौन सा है आपका, है ना। तो विलेज का आपको नाम डालना है, विलेज कौन सा है। तो विलेज का जैसे कोई भी नाम डाल दूं मैं, जैसे कि विलेज है अलवर, है ना। और इसका पिन कोड क्या है तो वो डाल दूं मैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और जो आपका प्रेफर्ड फार्मर है उसका नंबर डालना है, आपको नाम डालना है उसका, जैसे उसका नाम है मनोज, मोबाइल नंबर पूछे, फार्मर का मोबाइल नंबर डालना है, प्रोडक्ट कैटेगरी का कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बताने के लिए आए हो, मीटिंग किस प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हो, फील्ड क्रॉप है या फिर आपका वेजिटेबल है। तो आप जैसे कि फील्ड क्रॉप के लिए आए हो तो फील्ड क्रॉप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, और वेजिटेबल के लिए आए हो तो वेजिटेबल सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब फील्ड क्रॉप में कई हैं, आप फील्ड क्रॉप में किसके लिए आए हो मीटिंग करने के लिए वो डाल सकते हो इसमें, जैसे कि मैंने डाल दिया बाजरा MB 10-20 के बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। टोटल टाइम एक्सपेंड इन मीटिंग, तो मीटिंग में आपने टोटल कितने मिनट टाइम एक्सपेंड किया तो उसको आप डाल सकते हो। जैसे कि आपने 1 घंटा किया है तो 60 मिनट डाल सकते हो आप। मीटिंग स्टेज, मीटिंग कैसी थी आपकी, प्री सीजन थी, पोस्ट सीजन थी, PDA था आपका, है ना। तो उसमें से आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे आप PDA करवाने जा रहे हो तो PDA का डाल सकते हो, या सीजन से पहले की एक्टिविटी है तो वो उसको बोलते हैं प्री सीजन एक्टिविटी, उसको आप डाल सकते हो, और पोस्ट सीजन है तो उसकी आप डाल सकते हो। जैसे प्री सीजन एक्टिविटी मैंने डाल दी है, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है ये कि VLM है, डोर टू डोर है, है ना, जीप कैंपेन है, मेगा VLM है, हार्ट कैंपेन है, कौन सी है ये। तो आप VLM डालना अगर VLM करने गए हो तो, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटर मेंशन कौन सा है, अब इसमें कुछ भी जो डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में वो गांव आ रहा है उसका नाम डालिए, जैसे यादव बीज भंडार, ठीक। अब फार्मर की अटेंडेंस लेनी है आपको, एक पहले फोटो लेना है जहां मीटिंग कर रहे हो सभी फार्मर बैठे हुए उनका फोटो लेना है, एक बार फोटो लेके उनका सेव करना है फोटो, ठीक। फोटो सेव करने के बाद में जैसे आप डाटा लेते हो तो डाटा की एक फोटो लेनी है, जैसे ये डाटा लिया मैंने, इसमें फार्मर का नाम नंबर ये दोनों ऐड करने हैं अपनी कॉपी में, नंबर ऑफ फार्मर अटेंड, टोटल फार्मर कितने थे मीटिंग में, जैसे कि मैंने लिख दिया 20, वीडियो फिल्म प्लेड, आपने वीडियो क्लिप बनाई हुई है क्या, बनाई है तो यस करो, नहीं बनाई तो नो कर सकते हो।
पीपीटी आपने बनाया हुआ है फ्लिप चार्ट, तो यस कर दो। इसके बाद में हमारा सबमिट हो गया है फार्मर मीटिंग, और माय इन्फो में जाएंगे, माय इन्फो में ये फार्मर मीटिंग हमारी आ रही है। देखो 23/1/2019 फार्मर मीटिंग अलवर गांव है, पिन कोड ये है मनोज, और ये सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो इन चीज़ों को। माई इन्फॉर्मेशन में सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि फार्मर का डाटा कैसे लेना है, और मीटिंग में आप डाटा कैसे लोगे, VLM में डाटा आप कैसे लोगे। दूसरी चीज़ है, जैसे कि हम रिटेलर के पास जाते हैं, तो रिटेलर का हमें स्टॉक कैसे लेना है, ऑर्डर कैसे लेना है, उन चीज़ों के बारे में एक बार मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो मैंने आपको तीन चीज़ों के बारे में भी फिलहाल बताया हुआ है ये MDO के लिए। सबसे पहले आप अटेंडेंस कैसे आपको लगानी है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि फार्मर का डाटा आपको कैसे लेना है, और तीसरी चीज़ BLM आपको किस तरीके से करनी है और उसमें कैसे डाटा आपको चढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीलर का ऑर्डर कैसे लेना है और स्टॉक चेक कैसे करना है, और स्टॉक और ऑर्डर किस तरीके से आपको डीलर के पास जाके लेना है और उससे कैसे साइन करवाने हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। तो अभी तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8650108379, आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।